सर्दियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और बनाया जाता है गाजर का हलवा। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं काले वाले गाजर का हलवा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर का जो रेशा है उसको छोलनी से निकाल लेंगे अच्छे से। इस तरह से देखिए, तो इसी तरह से हमने सबका निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ पे निकाल के हमने रख लिया है इसे। अब इसे धो लेंगे पानी में, तो एक से दो पानी में अच्छे से रगड़ के इसे धो लेना है ताकि जो मिट्टी हो निकल जाए। गाजर हमने यहाँ पे लिया है 1.5 kg, यानी 1.5 kg हमने यहाँ पे गाजर लिया है। तो हमने इसको धो लिया है, अब अलग रख लेंगे। अब इसका होगा कटिंग, तो इस तरह से इसे कट कर लेना है छोटा छोटा, और जो मोटा हिस्सा है इसको दो भाग में कट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने सबको कट कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया है कुकर। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी, घी हमने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किया है। अब कटा हुआ गाजर इसमें ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसे ढक देना है। एक बार फिर से इसको चला लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक ही इसे भूने ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमने यहाँ पे 1 लीटर ऐड किया है क्रीम वाला। अब इसके ऊपर से कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 सीटी तक इसे पकाएंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ पे पका लिया है, अब इसको खोलेंगे। 3 से 4 सीटी हमने इसको पकाया है और ये देखिए अच्छे से ये गल गया है गाजर। तो अब इसको मैश कर लेना है। तो वहाँ पे हमने गिलास से इसको मैश किया है इस तरह से, देखिए। तो गिलास से इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो अब ये अच्छे से मसल गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी हमने यहाँ पे 150 ग्राम ऐड की है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको चलाकर 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि जो थोड़ा थोड़ा पानी बचा है वो भी जल जाए अच्छे से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे घी। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा गाजर का हलवा है वो रेडी हो गया है यहाँ पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखिए आ गया ड्राई फ्रूट्स। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
तो आप लोग भी सर्दी के सीज़न में ज़रूर एक बार ट्राई करिए काले वाले गाजर का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडी हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो।